नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन के इस बेहद खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झाबुआ से हम आपसे बात कर रहे हैं। झाबुआ जिले का एक ये छोटा सा गांव है, भील आदिवासी इस गांव में रहते हैं और मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी भील आदिवासी लोग हैं। इनका नाम है कमल। हाँ, कमल। कमल पूरा नाम क्या बताया? कमल खराड़ी। कमल खराड़ी। और झाबुआ जो है वो भील आदिवासियों का गढ़ है। इस छोटे से गांव में हम शाम को पहुंचे हैं। अब शाम हो चुकी है, अंधेरा घिर चुका है, आप देख सकते हैं। और विजय भाई, ये जो मसाला है ये तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च आपने कूटी है, और ये लाल मिर्च है, कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं, हम स्वाद के अनुसार ले लेंगे इसमें। हम लोगों ने अच्छा लगता है, कम ज्यादा हो रहा है। हाँ, नीचे हो जाता है। लेकिन मैंने ये देखा कि भील आदिवासी मिर्ची काफी खाते हैं। हाँ, है ना, खाते हैं। तो डाले मसाला, मुझे बताते जाए क्या क्या डाल रहे हैं। ये पत्ते हैं, तेज पत्ता। तेज पत्ता है जी। ये दालचीनी है। हाँ, बेसिकली खड़ा मसाला थोड़ा सा डालते हैं। हाँ, ठीक है। इसमें लौंग है। हाँ, लौंग, बड़ी इलायची है, खसखस है। अच्छा, और जीरा है। खसखस भी डालते हैं इसमें? हाँ, तो कम कम डाल दो। तो सबसे पहले खड़ा मसाला डाला, उसके बाद प्याज। हाँ, फिर उसको प्याज को अच्छे से भूनना है। हाँ, भूनना है। वेरी गुड। लीजिए। तो लहसुन आप अपने घर की जरूरत के लिए खेत में लगा लेते हैं? हाँ, लगा लेते हैं। अच्छा, सिर्फ घर के लिए लगाते हैं या बाजार के लिए लगाते हैं? घर के लिए। घर के लिए। बेचने के लिए सिर्फ सोयाबीन? सोयाबीन। हाँ, मूंगफली, मूंगफली है। हाँ, कपास। कपास। मक्का तो अपना होते वक्त घर खाने के लिए। मक्का अपने घर के लिए। घर के लिए। सर, आपके लिए मोए का दारू रखा है। मोए का दारू रखा है, स्पेशल घर का है। घर का बना हुआ है। घर का बना हुआ है। और आप मेहमानों को सबको ही देते हैं? हाँ, देते हैं। हाँ, दीजिए। बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। नहीं, हल्का चले। अगवा है। अच्छा, पूरा प्योर है। प्योर है। अगवा। अगवा माने प्योर? हाँ, प्योर मतलब हमारे क्या भील भाषा में अगवा ही बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिना पानी वाले। अच्छा, बिना पानी वाला है। बिना पानी वाला। तो इसका मतलब मुझे पानी मिलाना चाहिए इसमें? थोड़ा हल्का ऐसे टेस्ट करूँ? अच्छा, ये भी आपका दो। यार ये बहुत ही कमाल का है। इसका स्वाद बिल्कुल देसी है और इसकी जो खुशबू है ना बहुत अलग है, बहुत ही कमाल की है। मैं बरसों से जब भी आदिवासी इलाके में आता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक महुआ की दारू को जिस तरह से वाइन को या गोवा की फैनी को मान्यता मिली है और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्यों नहीं होता है? उसको परमिशन दी जानी चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत ही खूबसूरत टेस्ट है इस महुआ का, और इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है, घर की बनी हुई है। तो कढ़ाई में क्या बन रहा है अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। कढ़ाई में बन रहा है कड़कनाथ, और प्याज लगभग भुन चुके हैं, थोड़ा सा और भुनना है। और मेरे हाथ में है बेहतरीन महुआ जो कमल खराड़ी साहब के घर में बनी हुई है, उनके हाथों से बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। और मेहमानों को अक्सर जब आप किसी भी भील आदिवासी के घर पर आते हैं तो आपके स्वागत में, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब पिला के चित कर देंगे, नहीं, नहीं, लेकिन सम्मान के तौर पर थोड़ी सी महुआ आपको ऑफर की जाती है। उसके बाद अगर आप पीना चाहें ये आपकी इच्छा है। और आदिवासियों में देवताओं को भी, अपने पुरखों को भी महुआ ऑफर की जाती है, तो ये इनकी संस्कृति का बड़ा अटूट अभिन्न अंग है और बहुत खूबसूरत है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आपको हर स्टेप के साथ आपका भी मज़ा भी बढ़ता जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो हमारे इतने सारे दोस्त हैं
उनके साथ इसका स्वाद चखेंगे और आपको बताएंगे। अच्छे से वो प्याज अच्छे से गल जाएगा, ठीक है, भुन तो गया, उसको थोड़ा सा गला लेंगे। लहसुन डाल रहे हैं, लहसुन और अदरक डाल दीजिए, डाल दीजिए, और इसको थोड़ा मोटा मोटा पीसा अपने। हाँ हाँ हाँ, वाह, साथ में टमाटर डाल देते हैं, कटे हुए टमाटर मिर्ची उसके बाद में डालेंगे, डाल दूँ, कटे हुए टमाटर डाल दूँ, डाल दो, वेरी गुड। तो आप बनाते रहते हैं खाना, इसका मतलब। वाह, तो पढ़ते थे इंदौर में। हाँ हाँ, तो सर हमारा कुत्ते में मेस हुआ करता था। अच्छा, पढ़ते भी थे वहीं पे, वो मेस जिम ने लिया था किराए से। अच्छा, अपना। हाँ, अच्छा, तो सर उस टाइम 100 टीचर थे हम लोगों के। हाँ हाँ, और 105 बच्चों का खाना बनता था हमारे वहीं पे। अच्छा, हाँ, पढ़ते भी थे वहीं से जो भरा थे। हाँ हाँ, उसी हॉस्टल से एमबीए किया, उसी कॉलेज के हॉस्टल से एमबीए करा है। हाँ हाँ, तो हमारे डीन को मालूम है कि लड़का एमबीए कर रहा है और यहाँ पे इसका किचन भी चलाता है। और जब इसका जब वो हुआ प्लेसमेंट हुआ, हाँ हाँ, वो रो दिए थे, वो बोले तुम मेरे काम करते हो, बोला हाँ, और तुम मेरे साथ वहीं पढ़ते भी हो मेरे कॉलेज में ही। हाँ, अरे बाबा, इसका बेंगलोर प्लेसमेंट हुआ था सर इसका। अच्छा, तो लड़का एमबीए भी करता था और किचन भी चलाता था। हाँ, हम तो साथ में थे, हम चार लोग थे सर उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बीबीए कर रहा था, ये लोग एमबीए कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, मसाला डालते हैं सर। डालिए डालिए, ये मिर्ची डाल रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या क्या है विजय भाई मसाले में, बता दीजिए एक बार। पीसी हुई जो अपन ने पेस्ट बनाया था मिर्ची का। हाँ, खड़ी मिर्ची का पेस्ट है। हाँ हाँ, इसमें हल्का धनिया है। हाँ हाँ, और नमक। अच्छा, खड़ा नमक आता है जो, ओके, वो है। गरम मसाला नहीं है? नहीं सर, वो हम डालते नहीं सर, गरम मसाला नहीं डालते, पिसा हुआ पूरा खड़ा डालते हैं। खड़ा हुआ मसाला डालते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि जैसे आप लटपटा मसाला बोलते हैं वैसा है, कि इसको बहुत बारीक नहीं पीसा गया है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मोटी रखी गई हैं, दरदरी रखी गई हैं। वो कहते हैं ना कि उसका एक टेक्स्चर है मसाले का, उसको अगर आप हाथ से कहेंगे तो वो बहुत पाउडर की तरह फिसलेगा नहीं, थोड़ा सा आप उसे महसूस कर पाएंगे। तो मसाला भुन गया है ना? हाँ, भुन गया। दीजिए, दिखाइए कड़कनाथ। ये कड़कनाथ, कड़कनाथ, तो ये कड़कनाथ है, आपने देखा ही, इसको पहले आग पे सेक लिया गया, साफ कर लिया गया, उसके बाद इसको काटा गया और उसके बाद धो लिया गया, और अभी भी आप देखेंगे चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। कड़कनाथ के अंदर तेल निकलता है जब आप उसको सेक लेते हैं, जैसे फिश अगर आप खाते हैं और फिश जब आप धोते हैं, ख़ास तौर पे जिसको आप इलिश माछ या हिलसा कहते हैं, उसमें वो कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, उसमें कितनी चिकनाई है, उससे पता चलता है। तो कड़कनाथ में भी बिल्कुल उसी तरह की चिकनाई होती है, और उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके ये कितना स्वादिष्ट होने वाला है। लीजिए कमल भाई, डालें इसको? हाँ, डालो। लाए लीजिए, अब मैं डालता हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा थोड़ा डालते हैं, आप हिलाते रहिए। वाह, हाथों में ही चिकनाई आ रही है। हाँ, बहुत बहुत ही पौष्टिक होता है ये, मैंने सुना है, है ना? झाबुआ का कड़कनाथ तो दुनिया भर में मशहूर है। वाह, कड़कनाथ, और वो अगर मिट्टी के बर्तन में बना हो। हाँ, तो क्या ही बात है। वाह, टेस्ट बढ़ जाएगा, स्वाद बढ़ जाएगा कड़कनाथ का, टेस्ट और बढ़ जाएगा। वाह, तो दोस्तों अब मसाला भुन चुका है, कड़कनाथ उसमें जा चुका है, और जैसे मैंने आपको बताया कि कड़कनाथ तेल आप फील कर सकते हैं, मैंने जब ये डाला है तो हाथ में अभी भी चिकनाई है, साबुन से हाथ धोने के बाद ये साफ़ होगा। और कितना टाइम लगेगा कमल भाई अब इसमें? लगेंगे 20 मिनट। 20 मिनट, 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। इसका रंग आप देखिए, बहुत ही अद्भुत
बहुत ही शानदार कमाल का, कमल के हाथ का कमाल का कड़कनाथ, आज उसका स्वाद हम लोग लेंगे। तो धनिया पहले डाल देते हैं? हाँ, पहले डालते हैं, थोड़ा सा वो डालेंगे, बाद में डालेंगे। अच्छा, बाकी पकने के बाद डालेंगे। वाह, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फ़र्क आप देख सकते हैं। जैसे हम और आप शहर में खड़ा मसाला इस्तेमाल करते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, यहाँ भी अब उस तरह के मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें छोटी छोटी बारीकियाँ आप नोटिस कर सकते हैं। मसाले को दरदरा पीसा जाता है, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा मोटा रखा जाता है, कुटी हुई लाल मिर्च होती है उसको थोड़ा सा और पीस लिया जाता है कुंडी में, और जब प्याज आपने भुनती हुई देखी तो आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के उसमें उसको एक तरह से जब वो पसीज जाती है अच्छे तरीके से, थोड़ा सा स्टीम हो जाती है और घुलने लगती है, तब आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, फिर टमाटर डालते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हम और आप शहर में बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा नुआंस, थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं जो इसके स्वाद को बहुत अलग कर देती हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ और स्वाद बहुत अलग। तो रंग बहुत खूबसूरत आ रहा है इसका कमल भाई, हैं? आ गया तेल ऊपर, आ गया थरीबुरी। हाँ, तेल ऊपर आने लगा है, बिल्कुल ठीक। मसाला बन गया इसमें अब। हाँ, इसका मतलब कि मसाला बन गया है, बस अब इसको बॉयल होने देना है। और बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पहले सेक भी रखा है इसको। सेक रखे थे, मतलब ज़्यादा अपने को नहीं लगेंगे। हाँ, 15-20 मिनट में ये हो जाएगा। हो गया है। नमक डाल दिया हमने इसमें? हाँ, नमक डाल दिया। अच्छा, चलो एक मोहे के दारू से एक लीम का दारू बनाए। नीम का दारू? हाँ, लीम का दारू। नीम की दवाई बनती है, दारू नहीं? नहीं, दारू हमारे यहाँ। अच्छा, नीम की दारू? हाँ, बनती है नीम की दारू। यार, मैं आदिवासियों में 7 साल से घूम रहा, मुझे किसी ने नहीं बताया। आपको पिला के देखता हूँ। अच्छा, इसका तरीका क्या है बनाने का? तरीका इनका है, मतलब जैसे मोहे भरते हैं नहीं, हाँ, अच्छा भर देना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा शक्कर डालना, हल्की सी शक्कर डालना। हाँ, और उसके बाद निकाल लो, पहले सड़ा के उसके बाद फिर बनाई जाती है। जो अंदर डालते हैं नहीं, इनके बाद फिर थोड़ी शक्कर डालो। शक्कर डालने के बाद 5-4 दिन रहना पड़े। हाँ, 4 दिन में वापस निकालो। दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ और 60 से ज़्यादा आदिवासी समुदायों से मैं मिल चुका हूँ, लेकिन नीम की भी शराब बनती है ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। और इसका प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे महुआ की शराब बनाई जाती है। इसका स्वाद एक बार चख के देखता हूँ। ये पक्की नीम की शराब है? पक्की। ये तो बिल्कुल कड़वी नहीं है? नहीं लगती। बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, नीम की शराब है, बल्कि हल्की सी आपको खटास, हल्की सी खटास, वो क्या थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया कि? अच्छा, इसको काफ़ी, तो ये क्योंकि काफ़ी 10-1 दिन से रखी हुई है, इसलिए अगर ताज़ा पियेंगे तो महुआ जैसी लगेगी। बहुत ही कमाल का इसका स्वाद है, अरोमा है, और जाहिर अगर नीम से बनी है तो ये शरीर को कुछ फ़ायदा ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है, ये टेक्स आ गया सर, है ना, टेक्स बन गया अभी देखो। हाँ, आपको जो क्या बात है, वाह, ये टेक्स बना बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि बन गया है, पक गया है, अब तेल ऊपर आ गया, इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचा है, कहीं भी नहीं बचा। वाह, कहीं भी नहीं बचा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको कह रहा था कि किसी भी खाने का जो स्वाद है वो उसके प्रोसेस से तय होता है, और जब आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो आपको पता है कि उसमें पेशेंस कितना ज़रूरी है, धैर्य कितना ज़रूरी है। आपने शुरू से देखा होगा कितने इत्मीनान से उन्होंने मसाला पीसा, उसके बाद आराम से उसमें चिकन डाला, उसको भुना, और अब तेल तैर चुका है, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और धैर्य इसका स्वाद जानने के लिए। इसका स्वाद मक्के की रोटी के साथ लेंगे और आपको बताएंगे।
कमल भाई। हाँ भैया। शुरू करें? शुरू करें। हाँ कर लेता हूँ। हाँ पहले वो भाभी जी को दीजिए। क्या नाम है इनका? सविता। सविता जी हाँ। माफ कीजिएगा आपको, आज बहुत देर हो गई, सुबह आप लोग बहुत जल्दी जगते हैं, हैं? कितने बजे उठ जाती हैं सुबह? 4 बजे। सुबह कितने बजे जगती हैं? 4 बजे उठी, खाओ बनाए, पसंद उतर जाइए। क्या बोल रही हैं? काम पे जाएंगे सुबह। कितने बजे कमल जी बताइए ना, कितने बजे उठती हैं ये? 8 बजे तो काम पे जाते हैं। काम पे जाते हैं ना? हाँ 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं, उससे पहले सारा काम निपटाते हैं। बस बस बस, ज़्यादा मत दीजिए। थैंक यू। हाँ हाँ वाह। वाह दोस्तों, आपने देखा था जब विजय मसाला पीस रहे थे, मसाला क्या मतलब अदरक लहसुन, तो उन्होंने उसको बहुत बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा हल्का मोटा रखा था। मिर्च कुटी हुई थी उसको और थोड़ा सा उन्होंने रगड़ा था कि जो बीज है वो साबुत ना रहे, लेकिन वो भी थोड़ी सी मोटी थी। और उसके बाद आपने पूरा प्रोसेस देखा ही है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मामूली सी जो मामूली सा जो फ़र्क होता है उसी से स्वाद कितना बदल जाता है, मैं वो आपको बता ही रहा था। और जब मैं विजय जी से पूछ रहा था कि इतनी सारी मिर्ची, तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो उनके स्वाद के अनुसार, यानी कि भील आदिवासियों के स्वाद के अनुसार जो मिर्ची डाली जाती है, उससे आपके कान से धुआं निकल सकता है। मेरे से नहीं निकल रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है इस इलाके में घूमने का। कड़कनाथ का आपने देखा ही था, दुनिया में मशहूर है झाबुआ का कड़कनाथ। सवाल ये नहीं होता है कि मीट किस जानवर का, सवाल यह है कि उसको बनाया कैसे गया है, उसमें मसाले कैसे भुने गए हैं, और जब आप बना रहे हैं उसमें आपको मज़ा कितना आ रहा है बनाते हुए, और खिलाते हुए आपको लोगों को कितना मज़ा आता है, इस पर डिपेंड करता है कि स्वाद कैसा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि ये मक्के की रोटी है, बहुत ही कमाल की है। घर के लिए ये मक्का उगाते हैं आदिवासी, जैसा कमल जी ने जब हम लोग चिकन बना रहे थे तो बताया था कि कपास बाज़ार के लिए पैदा करते हैं, दालें बाज़ार के लिए पैदा करते हैं, लेकिन कुछ दालें और मक्का ख़ास तौर पे अपने घर के लिए पैदा करते हैं। तो घर की बनी हुई रोटी है, घर के मक्का की, बहुत ही कमाल का है। और जो कड़कनाथ है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चिकनाई आप हाथों में महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं भी भारत और ट्राइबल किचन का ये एपिसोड लगातार चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग खूब हमें समर्थन दे रहे हैं, खूब प्यार दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आदिवासी भारत से जो कहानियां हम आपके लिए लेके आते हैं, आप आदिवासियों को थोड़ा सा बेहतर समझ पाते होंगे, अब उनकी ज़िंदगी को, उनकी संस्कृति को, साथ साथ उनके अधिकारों को, उनके हकों को, उनके ज़िंदगी के मसलों को। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें समर्थन देते रहेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों की कहानियों का ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। देखते रहिए मैं भी भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।